हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है जय भीम तो जय भीम फिल्म का जो हिंदी वर्जन है साथ ही में तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम ये सभी वर्जन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करने वाले इसी के साथ फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर फिल्म की कहानी है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में चर्चा करने वाले ये एक लीगल ड्रामा फिल्म है जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे इस फिल्म की स्टोरी को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाले उसका एक एनालिसिस करेंगे साथ ही में स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की जो परफॉर्मेंसिस है उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी आपको डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे पहले जो घटनाएं घटी थी और रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस टू डे एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोडक् प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लिजो मोल जोश मणिकंदन राजसा विज्ञान और ज्योशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज राव रमेश गुरु सोम सुंदरन तमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिराशु राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमन सी बी थॉमस राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजविजो राजा गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए ये फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोमिन राज ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रो रोलडन ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को ओटीटी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे जे ज्ञाननवेल के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्थायित और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली है सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले करे तो उस ट्रो इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टू एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजेशा विज्ञान जो इस फिल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्नन फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन एसर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीजों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म के जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नींद करके फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करे कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेप अप किया गया था सितंबर 2021 को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छे खासी प्राइस दे खरीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरव्यू थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण करके जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिन रोल्डन थे छठा गाना मनी ले इरु इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए योगा भारती ने और गाया हुआ है वह लकम लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्र के रोल में दिखाई देंगे लिजो मोलजोस ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई पेरुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है Yeah. <laughs> राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पी पी पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डी जी पी का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था इलावर को गुना शेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर भशियम के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एस पी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में आ, राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था इराज़ राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तली राजना का रोल प्ले कर रही है मनी कंदन चिन्ना तली का रोल प्ले कर करेली जो मोल जोश एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इंपॉर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमंड डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और स्टिक नजर आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजो मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस के प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोए के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्य के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक और परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर में पहुँचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विषय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्म जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाता थी लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज़्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफी मजबूत नजर आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोटरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफी नेचुरल और अमेजिंग नजर आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उसकेस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फिल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे वेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मूवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहे थे उसका मेन रीज़न फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतने बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरामैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए थे हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने पाँच अगस्त दो को टू डी एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइज में भेज दिया था जहाँ पे ये फिल्म दोनों फिल्में सूरा राय पोत्रू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी टी पर रिलीज हो रही है तो ये फिल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नडा इतनी वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएसन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में ट्वेंटी एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकॉग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फिल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई एम डी बी पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई एम डी बी रेटिंग आठ पॉइंट नौ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पे दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ पॉइंट नौ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी ज्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहां पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन के राइट्स वालों ने रिलीज से, से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए

इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास से रिसोल्ड करके यानी कि फर्से फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पर मैं इसके टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल भी, भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगर टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोलमाइंस वाले शायद नयानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे

में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप जय भीम फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाओगे जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहां पे पहले जो घटनाएं घटी थी रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस टू डे एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोड प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लिजोमोल जोश मणिकंदन राजिशा विज्ञान और जोशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज, राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिरासु राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमण सी बी राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजिजो गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिल्म राज ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है सीन रो रोल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए हैं जिसके राइड से वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टी जे ज्ञाननवेल के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्थित और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली है सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीजों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टूडे एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजीव सा जो इस फिल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्नन फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन या सर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोटाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नींद करके फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करे कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहां पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था सितंबर 2021 को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फ़िल्म को देख सकती है क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट से सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छे खासी प्राइस दे ख़रीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो बाईस मिनट अड़तीस सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरवू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरवी थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदूम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण कुत्तमकर के जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिंह रोल्डन थे छठा गाना मन्नीले ले इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वही लकम विजया वही लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे अली जो ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मनिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजेशा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई जी पेरूमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पी पी पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुब्बा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम टी रासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डीजीपी जी राधा कृष्णन का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था इला को गुना सेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर है के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एस पी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था झीजोई राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करे जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है नाइनटीन में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मनी चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर करेली जो मोल जो एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले करे सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि, कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमंड डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक रोरस्टिक नज़र आ रही थी जहाँ पे इस इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजु दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लिजू मोल जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस के प्ले किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्य के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रेट किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन्स जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्य और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक और परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर में पहुँचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विसाय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पा लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मज़बूत नजर आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोर्टरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी नेचुरल और अमेजिंग नज़र आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उसकेस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे नाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहते थे उसका मेन रीजन फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीजें उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इंजॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स से अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे हालांकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को टू डी एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइज में बेच दिया था जहाँ पे ये फ़िल्म दोनों फ़िल्में सोरा राय पोतरू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी के ऊपर जहाँ पे अमेजन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी पे रिलीज हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगू मलयालम और कन्नडा इतने वर्जन में रिलीज करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्जन में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहां पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएसन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंथीथ एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली हो, और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आईएमडीबी पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आईएमडीबी रेटिंग आठ पॉइंट नौ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ पॉइंट नौ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी ज़्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहाँ पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे हिंदी वर्जन के राइट्स वो गोलम्स वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमैंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए कर कर के अपने ही पास रखे हुए हैं तो अब हम बात करें कौन सी OTT कब टी कौन से के ऊपर देखने को मिलेगी फिल्म उसके ऊपर तो जिस तरह से कहा कि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डायरेक्ट ओ टी डील साइन की हुई है तो यह फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविजन प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगर टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइंस वाले ने आ, सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फर्से फिर से परचेज करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पर गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल भी, भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगर टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोल वाले शायद नयानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को उन्होंने ओ राइट्स भेज दिए तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है ज़रूर फिल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती

जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे पहले जो घटनाएं घटी थी रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टीजे नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस टू डे एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोड प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फ़िल्म आपको दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लीजो मोल जोश मणिकंदन राजिशा विज्ञान और जोशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिरासू राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमन सी बी थॉमस राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजिजो राजा गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिल्म राज ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रोल्डन रोलडन ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टी जे के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले जिन्होंने इससे पहले कुत्थित तो और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फ़िल्म होने वाली है सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पर सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टू एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने you <laughs> अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजी सा जो इस फिल्म में मेन इंपॉर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्न फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन एसर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजीत ने पहले ही अपने नाम का करवा लिया गया था जहां पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म के जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नींद करके एक फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करई कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहां पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था तो सेप्टेम्बर दो को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि अट्ठारह साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फ़िल्म को देख सकती है क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट से सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस दे ख़रीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो बाईस मिनट अड़तीस सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरवू ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरव्य थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण करके जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पाँचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिंह रोल्डन थे छठा गाना मनी ले इरु इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए है योगा भारती ने और गाया हुआ है भैयाकम वैजया लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे अली जुमल जोश ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई जी पेरूमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है Yeah. <laughs> राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पी पी चिल्ला का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम टी रासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डी जी पी राधा का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था इलावर को गुना शेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर है के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एस पी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में आ, राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था जी जो राजगोपाल ने इस फिल्म में मोनार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मनिकंदन चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही जो मोल जोश एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले करे सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते है जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इंपॉर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पर सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमंड डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीजें काफी रियलिस्टिक और नजर आ रही थी जहां पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजु मोलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है। उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस के दर प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्या के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रेट किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्या और और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफ़ी रियलिस्टिक और रिस्टिक परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफ़ी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर में पहुँचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विशय ही देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोर्टरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफ़ी नेचुरल और अमेजिंग नज़र आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उस केस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे नानन ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मूवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहते थे उसका मेन रीज़न है फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीजें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर रिलीज अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को दो नवम्बर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स से अमेज़न प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए थे हालांकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को टू डी एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइज में भेज दिया था जहाँ पे ये फ़िल्म दोनों फ़िल्में सूरा राय पोत्रू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी पे रिलीज हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविज़न प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नडा इतनी वर्जन में रिलीज करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्जन में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहां पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएसन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंथीथ एडिसन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई रेटिंग आठ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी ज़्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहाँ पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलम्स वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमैंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए कर करके अपने ही पास रखे हुए हैं तो अब हम बात करें कौन सी ओ टी टी कब OTT, कौन सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फिल्म उसके ऊपर तो जिस तरह तो मैंने कहा कि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डायरेक्ट ओ टी डील साइन की हुई है तो ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविजन प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट्स है वो कालिंगा टी ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविजन प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइंस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फर्से फिर से, से परचेस करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पर गोलमाइस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगर टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोलमाइस वाले शायद नयानवे परसेंट इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओ टी टी राइट्स बेच दिए तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है ज़रूर फिल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती के के चैनल ऊपर लेकिन पूरी फिल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी अदरवाइज ये समयगी अदरवाइजन पर मिलेगी हिंदी वर्जन में वहीं पर पे यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ओटीटी पे अमेजोन प्राइम के ऊपर ये फिल्म विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप जय भीम फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाओगे जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे पहले जो घटनाएँ घटी थी और रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस टू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोड प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लीजो मोल जोश मणिकंदन राजिशा विज्ञान और जोशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा तीरा, चिरासु, राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमन सी बी राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम राजा गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं ये फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिल्म इन राज ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रो रोलडन ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे जे ज्ञाननवेल के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्ता है और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले करे तो उस ट्रो इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टूडे एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजी सा जो इस फिल्म में मेन इंपॉर्टेंट पाइवोटल रोल प्ले कर रही है उनको कर्न फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पर वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन एसर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म के जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोटाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तुनिंद धवन करके फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग कराई कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट गौ, के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहां पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था सेप्टेम्बर दो को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि अट्ठारह साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्तचरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट से सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस दे ख़रीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो है मिनट 38 सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरिव ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरव्यू थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदूम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण कुत्तम करके जो चौथा तो गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सीन सिंग रोल्डन थे छठा गाना मन्नीले ले इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है भैई लकम लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे अली जुम्मल ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथ्रा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई जी स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है

एम एस भास्कर ने संकरण का रोल प्ले किया हुआ था इला वरसु को गुना सेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर है के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एस पी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था जी जो राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्ार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म नाइनटीन 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तली राजना का रोल प्ले कर रही है मनी कंदन चिन्ना तली का रोल प्ले कर रही जो मूल जो एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इंपॉर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो वन फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायम डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और स्टिक नजर आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला लिजु मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजन्ना का एक इंटेंस के प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोए के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्या के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीज़ें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक और परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर में पहुँचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विषय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफी मजबूत नजर आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोटरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफी नेचुरल और अमेजिंग नजर आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उस केस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे नानन वेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहते थे उसका मेन रीज़न है फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतनी बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और इंस्टैंड रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर रिलीज अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए थे हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने पाँच अगस्त दो को टू एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहाँ पे थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासे प्राइज में भेज दिया था जहाँ पे ये फिल्म दोनों फिल्में सूरा राय पोत्रू और दूसरी फिल्म जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी करीटी के ऊपर जहां मिला हुआ था लेकिन अब OTT पे रिलीज हो रही है तो ये फिल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए जरूर मायने रखता है जहां पर जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको 2 नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहां पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिससन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंथीथ एडिसन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई रेटिंग आठ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी ज़्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहाँ पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलम्स वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ टी प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए कर कर के अपने ही पास रखे हुए तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी कब और कौन से सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फिल्म उसके ऊपर तो जिस तरह मैंने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमांस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइस वालों ने अपने ही पास रिसोल्ड करके यानी कि फिर से फिर से परचेज करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमाइस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगर टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोलमाइंस वाले शायद नयानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओ राइट्स भेज दिए तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है ज़रूर फिल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती

के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहां पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म फिल्म 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना राजना का नाम है चिन्ना तली राजना का रोल प्ले कर रही है मनींदन चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर रही जो मोल जोश एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमंड डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीजें काफी रियलिस्टिक और स्टिक नजर आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला लिजो मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ है लिजो मलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही थी सेम वे में ने जिस तरह से का एक इंटेंस प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोहे के रोल उनमें दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्य के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रेट किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको

से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर वे में पहुंचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विषय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नजर आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नजर आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज़ थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पा थे। लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसियेशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आए हुए थे जो फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोर्टरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी नेचुरल और अमेजिंग नज़र आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू सोकेस किया हुआ है वो काफ़ी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूजिक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फिल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे नाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहे थे उसका मेन रीज़न फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे हालांकि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 5 अगस्त 2021 को टू डी एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइस में भेज दिया था जहाँ पे ये फिल्म दोनों फिल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी पे रिलीज हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसके अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगू मलयालम और कन्नड़ा इतनी वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहां पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंटी एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली हो, और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई रेटिंग आठ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी ज्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहां पे पहले जो घटनाएं घटी थी रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस टू एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोड प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लीजो मोल जोस मणिकंदन राजिशा विज्ञान और जोशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिरासु राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमन सी बी राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजिजो गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिलोम इन राज ने जिन्होंने इस फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रो रोलडन ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कम्पोज किए हुए जिसके राइट से वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टीजे जे के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्थित तो और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले करे तो उस ट्रू इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टूडे इंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजी सा जो इस फिल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्नन फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन एसर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीजों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजित अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नवन करके फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करे कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था सेप्टेम्बर दो को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि अट्ठारह साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक के राइट से सोनी म्यूज़िक वालों ने अच्छी खासी प्राइस दे खरीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो 22 मिनट 38 सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरिव ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरव्यू थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कादूम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण कोत्तमकर के जो चौथा तो गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सीन रोल्डन थे छठा गाना मन्नीले ले इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वह लकम विजया लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ किया गया था ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्रू के रोल में दिखाई देंगे लिजुमल मोलजोस ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई जी पेरूमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पी पी पांडियन का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डीजीपी राधा कृष्णन का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने संकरण का रोल प्ले किया हुआ था इला वरसु को गुना सेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर है के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एस पी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांड्यन ने इस फिल्म में आ, राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था जीजो राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्ार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म में 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मनी चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर करेली जो मोल जोश एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में लाती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इंपॉर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमिंग डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और स्टिक नज़र आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजु मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लिजो मलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजेंद्रन का एक इंटेंस किरदार प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोए के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्या के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक और परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर में पहुँचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म विषय रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाता थी। लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म फिल्म ज़्यादा ज़्यादा से ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को किस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मजबूत नजर आए हुए थे जो फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोर्टरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफी नेचुरल और अमेजिंग नजर आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उस केस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फ़िल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे गाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहते थे उसका मेन रीज़न फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन श्रेय डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतने बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर रिलीज अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो ने ख़रीदे हुए थे हालाँकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने पाँच अगस्त दो को टू डी एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइज में भेज दिया था जहाँ पे ये फ़िल्म दोनों फ़िल्में सूरा राय पोत्रू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी टी पे रिलीज़ हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसके अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नडा इतनी वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिससन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंथीथ एडिसन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली हो और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानि कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई रेटिंग आठ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी ज्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहां पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलम्स वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ टी प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए

इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है उसके तमिल वर्ज़न के राइट्स है वो कालिंगर टीवी ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंग टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइंस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास से रिसोल्ड करके यानी कि फिर से फिर से परचेस करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविज़न पर में इसके टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगर टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोलमाइंस वाले शायद नयानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि Amazon Prime प्राइम को, तो को मिल सकती है अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी अदरवाइज ये फिल्म टेलीविजन पर गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में वहीं पर यूट्यूब पे तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ओटीटी पे अमेजॉन प्राइम के ऊपर विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप जय भीम फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाओगे जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहां पे पहले जो घटनाएं घटी थी रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नाननंदवेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस टू डे एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फ़िल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लीजो मोल जोश मणिकंदन राजा विज्ञान और जोशी का माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे प्रकाश राज, राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिरासु राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमण सी थॉमस, राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजिजो गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिल्मिन राज ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रो रोलडन ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पर इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रोपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टी जे ग्नवेल के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्थित और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली है सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले करे तो उस ट्रो इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रोकेटरी उसमें बिजी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टू एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजेशा विज्ञान जो इस फिल्म में मेन इम्पोर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्नन फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन या काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजीत ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म के जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोडाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नवन करके एक फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग कराई कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट गौ के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था सितंबर 2021 को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस दे खरीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज़ किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो है 22 मिनट 38 सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरवू ने लिखे हुए थे और फ़िल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरविए थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण करके के जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिन रोल्डन थे छठा गाना मनी ले इरुक इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए योगा भारती ने और गाया हुआ है भयलकम विजया लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्र के रोल में दिखाई देंगे लिजो मोलजोस ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई जी स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है yeah <laughs> राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पी पी चिल्ला का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम टी चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डी जी पी राधा का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने शंकरन का रोल प्ले किया हुआ था इलावर सौ को गुना शेखरन का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था सुधा शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर भसीम के रोल में दिखाई देंगे सीबी थॉमस को एसपी पी का रोल दिया गया था राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था जीजो राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजेश राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म नाइनटीन 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मनी चिन्ना तल्ली का रोल प्ले कर करेली जो मोल जोश एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना तल्ली इन सभी मैटर्स को सोल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इंपॉर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पर सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमिंग डायनेमिक नजर आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और स्टिक नज़र आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजु मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लीजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबिक टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से राजेंद्रन का एक इंटेंस केदर प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोए के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्य के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रे किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नज़र आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्य और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया हुआ था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है उन्होंने भी काफी रियलिस्टिक और परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी ये रियलिस्टिक सबल परफॉर्मेंस फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत और बेहतर में पहुंचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाफ है वो आपने अगर तमिल फिल्म रन रनई देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नज़र आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नज़र आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या की जितनी भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फ़ैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन से उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएशन मिला है उससे अंदाजा लगता है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहां पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफी मजबूत नज़र आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कॉटरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफी नेचुरल और अमेजिंग नजर आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू उस केस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फ़िल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जे गाननवेल ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहते थे उसका मेन रीज़न है फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतने बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और रश इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कॉर्टरूम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर रिलीज अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ पे डायरेक्ट रिलीज़ किया गया था जिसके राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे हालांकि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने पाँच अगस्त दो को टू एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओटीटी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज किया हुआ था जहाँ पे थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीजन कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइस में भेज दिया था जहाँ पे ये फिल्म दोनों फिल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी टी पे रिलीज हो रही है तो ये फ़िल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए ज़रूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नडा इतनी वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहां पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहां पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएसन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में तो ट्वेंटी एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली हो और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानि कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई रेटिंग आठ पॉइंट नौ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पर दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ पॉइंट नौ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को यह फिल्म कितनी ज्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहां पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहां पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलमेंस वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए कर कर के अपने ही पास रखे हुए तो अब हम बात करें कौन सी ओटीटी कब और टेटे कौन से सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फिल्म उसके ऊपर तो जिस तरह तो मैंने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है तो ये फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा इन सभी वर्जन में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमांस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइस वालों ने अपने ही पास रीसोल्ड करके यानी कि फिर से फिर से परचेज करके अपने ही पास रखे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे गोलमाइस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म हिंदी तमिल तेलुगू कन्नड़ा और मलयालम ये सभी वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोल वाले शायद नयानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओ राइट्स बेच दिए तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है ज़रूर फिल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकती के के चैनल ऊपर लेकिन पूरी फिल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा अब ये सभी चीजें के के वहीं पर पे यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ओटी टी पे अमेजोन प्राइम के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू मलयालम कन्नडा इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप जय भीम फिल्म को जरूर इंजॉय कर पाओगे जय भीम जो 2021 की तमिल लैंग्वेज लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे टाइटल का तो होता है विक्ट्री टू भीम ये एक पीरियड लीगल ड्रामा फिल्म है जहाँ पे पहले जो घटनाएं घटी थी और रियल इंसिडेंट बने थे उसको लेकर एक फिक्सनली यानी कि एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन डायलॉग्स ये सभी काम टी जेग नानन वेल ने किया हुआ है वो इस फिल्म के ओवरऑल क्रिएटर है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ज्योतिका और सूर्या इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस टू डे एंटरटेनमेंट के नीचे इस फिल्म को प्रोडक् प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन एक मिनट है यानी कि फ़िल्म आपको दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी जिसके लीड कास्ट की बात करें तो आपको सूर्या देखने को मिलेंगे लिजो मोल जोश मणिकंदन राजिशा विज्ञान और जोशिका माया जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सपोर्टिंग कास्ट में भी एक से एक बढ़कर दमदार एक्टर देखने को मिलेंगे जहां पे प्रकाश राज, राव रमेश गुरु सोम सुंदरन थमिल सुपर गुड्डू सुब्रमणि बाला हसन एम चिरा थीरा, चिरासु राजेंद्रन जया प्रकाश एम ए भास्कर एम एस भास्कर इलावरसु कुमार वेल जया राव सुजाता शिव कुमार रवि वेंकटारमन सी बी राजा रानी पांड्यन शंकर सुंदरम रिजिजो गोपाल संजय स्वरूप तो इतने सपोर्टिंग आर्टिस्ट है तो ये फिल्म के कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म ने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी एस आर काथिर ने की हुई है एडिटिंग की हुई फिल्म राज ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे पैंतालीस मिनट के आसपास का रन टाइम दिया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ सीन रो रोल ने जहाँ पे इस फिल्म के जो गाने और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं जिसके राइट्स है वो सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पर प्रीमियर करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को ओ टी टी पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बातचीत करें तो मार्च 2020 में ऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट रो, रिपोर्ट के थ्रू पता चला था कि सूर्या टी जे गाननवेल के साथ एक कोलाब्रेशन करने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले कुत्थित और थन करके 2017 में एक फिल्म बनाई हुई थी और वो इस फिल्म को एक लीगल ड्रामा के तौर पे बनाने वाले यानी कि एक लीगल ड्रामा फिल्म होने वाली सूर्या के साथ जो ट्राइबल पीपल है आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की गई है और ये पीरियड की कहानी है जहाँ पे आपको इस फिल्म में ओरिजिनल इंसिडेंट को लेकर कहानी दिखाई जाएगी जो नाइनटीन में कुछ ट्रू इंसीडेंट हुए थे जहाँ पे सूर्या इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले करे तो उस ट्रो इंसिडेंट में वो लॉयर के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग है। एक्टर हैं उनको बाद में कास्ट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में पहले आर माधवन भी आपको देखने को मिलने वाले थे लेकिन उनकी जो फिल्म थी रॉकेटरी उसमें बी शेड्यूल के चलते वो इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ पाए थे इसके अलावा कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो टू एंटरटेनमेंट ने अपने प्रोडक्शन हाउस के नीचे इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग ऑडिशंस के तहत इस फिल्म में कास्टिंग की हुई थी राजी सा जो इस फिल्म में मेन इंपॉर्टेंट पाइवर्टल रोल प्ले कर रही है उनको कर्न फिल्म से इस फिल्म में मौका दिया गया था जहाँ पे वो एक मलयालम एक्टर थी उसके बाद प्रकाश राज राव रमेश के मणिकंदन एसर काथिर जैसे अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट एक्टर्स को धीरे धीरे के बाद एक कास्ट किया गया था जहाँ पे सभी चीज़ों के अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहे थे इस फिल्म का जो टाइटल है वो पार रंजित ने पहले ही अपने नाम करवा लिया गया था जहाँ पे वो टाइटल अलग था बाद में इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदलते हुए रखा गया था जय भीम जहाँ पे इस फिल्म के जो फिल्मिंग है उसके ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी कोड़ाई कनल में की हुई थी मिड अप्रैल 2021 में जहाँ पे सूर्या ने इस फिल्म के सेट को ज्वाइन किया हुआ था तब उनकी इधर कम तो नींद धवन करके फिल्म थी वो भी शूट हो रही थी और उसकी शूटिंग करई कुंडली में हो रही थी तो उसकी शूटिंग होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म को भी मौका दिया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के प्रोडक्शन को बीच में रोकना पड़ा था कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के चलते जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में फिर से काम किया गया था जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आगे की शूटिंग को किया हुआ था इसके अलावा जुलाई 2021 में इस फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के जो शूटिंग शूटिंग का जो पार्ट है उसको रेपअप किया गया था सितंबर 2021 को उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया और अक्टूबर 2021 तक इस फिल्म की फाइनल कॉपी रेडी की गई थी जहाँ पे उसको सी बी एफ सी में सबमिट करवाया गया था सेंट्रल बोर्ड को सबमिट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था एज सर्टिफिकेट यानी कि 18 साल से जो बड़े ऑडियंस है वही इस फिल्म को देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो छोटे बच्चों के लिए उतने सूटेबल नहीं थे जो मेच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाए गए थे तो उस वजह से इस फिल्म को एज सर्टिफिकेट दिया हुआ था और सूर्या ने अपने करियर में जितनी फिल्में बनाई हुई है उसमें ये उनकी पहली या दूसरी ऐसी फिल्म थी रक्त चरित्र के बाद शायद दूसरी फिल्म थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट से सोनी म्यूजिक वालों ने अच्छी खासी प्राइस देके खरीदे हुए थे इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो सीन रोल्डर ने कंपोज किया हुआ था इसका टाइटल इस फिल्म के जो गाने हैं उसके जो टोटल लेंथ है वो है बाईस मिनट अड़तीस सेकंड जिसको 2021 में रिकॉर्ड किया गया था 17 अक्टूबर 2021 को सोनी म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म के जो पहला गाना है पावर उसके लिरिक्स है वो अरिव ने लिखे हुए थे और फिल्म के सिंगर उस गाने के सिंगर भी अरव्यू थे इसके अलावा दूसरा गाना थाला कदूम जिसके लिरिक्स राजू मुरुगन ने लिखे हुए थे और गाया हुआ था प्रदीप कुमार ने दूसरा तीसरा गाना सिंधु मल्ली जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे सिंगर अनंतु कल्याणी नेर दोनों ने मिलकर गाया हुआ था वित्ता कारण कुत्तमकर के जो चौथा गाना था उसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए थे गाया हुआ था एंथनी दसान और निरंजन रामानंद ने पांचवा गाना पोलादन उलगा थे जिसके लिरिक्स युगा भारती ने लिखे हुए सिंगर सिंह रोल्डन थे छठा गाना मन्नीले ले इरमुंडा जिसके लिरिक्स लिखे हुए युगा भारती ने और गाया हुआ है वही लकम विजया लक्ष्मी ने इन सभी गानों को दूसरे सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तेलुगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में भी रिक्रिएट किया हुआ था क्योंकि इस फिल्म को सभी लैंग्वेज में डब करके रिलीज किया गया था ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के एक्टर्स के बारे में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में इस फिल्म में आपको सूर्या एडवोकेट चंद्र के रोल में दिखाई देंगे लिजो मोलजोस ने सिनगिनी का रोल प्ले किया हुआ है मणिकंदन ने राजकन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जोशिका माया ने अली का रोल प्ले किया हुआ है राजीसा विजयन को मैथरा का रोल दिया गया था प्रकाश राज ने आई पेरुमल स्वामी का रोल प्ले किया हुआ है you <laughs> राव रमेश आपको एडवोकेट जनरल राम मोहन के रोल में दिखाई देंगे गुरु सोम सुंदरन ने पीपी छला पांड्यन का रोल प्ले किया हुआ है तमिल ने इस फिल्म में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का रोल प्ले किया हुआ है सुबर गुड सुबमन को इस फिल्म में वीरा सामी का रोल दिया गया था बाला हसन ने इस फिल्म में किरुबा करण का रोल प्ले किया हुआ है एम टी चिरासू ने इस फिल्म में इरुत्तापन का रोल प्ले किया हुआ था राजेंद्र को मुसाकुट्टी का रोल दिया गया था जया प्रकाश को डीजीपी राधा का रोल दिया गया था एम एस भास्कर ने शंकरण का रोल प्ले किया हुआ था इलावर को गुना का रोल दिया गया था कुमार वेल ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था जया राव ने काथिर वेल का रोल प्ले किया हुआ था शिव कुमार को शुभ लक्ष्मी का रोल दिया गया था रवि वेंकटारमन आपको इस फिल्म में इंस्पेक्टर भशियम के रोल में दिखाई देंगे सी थॉमस को एसपी अशोकवर्धन का रोल दिया गया था राजा रानी पांडेन ने इस फिल्म में आ, राजन का रोल प्ले किया हुआ था शंकरन सुंदरम ने इस फिल्म में सत्यदेव का रोल प्ले किया हुआ था इराज़ राजगोपाल ने इस फिल्म में मुन्नार राजे राजेश का रोल प्ले किया हुआ था संजय स्वरूप ने इस फिल्म में जज का रोल प्ले किया हुआ था तो इतने कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे ये सभी किरदार उन्होंने डिलीवर किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करे जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म आदिवासी कपल के ऊपर कहानी सेट की हुई है जहाँ पे एक पीरियड ड्रामा फिल्म है 1992 में कुछ रियल इंसिडेंट बने थे उसके ऊपर फिल्म की कहानी थी तो एक ट्राइबल कपल होता है इसमें से एक का नाम है राजन्ना दूसरे का नाम है चिन्ना तल्ली राजन्ना का रोल प्ले कर रही है मनी चिन्ना तल्ली का रोल प्ले करेली जो मोल जोस एक गाँव में रोबरी होती है जहाँ पे एक पैसे वाले के घर में रोबरी होती है और उस रोबरी का शक इन कपल के बीच में राजन्ना और उनके वाइफ के ऊपर जाता है जहाँ पे पुलिस उनको इस मैटर में ले आती है घिसट के और उनको पकड़ लेती है जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि राजन्ना को जब जेल ले जाया जाता है तब एक केस से दूसरे केस में सभी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे चिन्ना इन सभी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉयर के पास जाती है और उस लॉयर का नाम रहता है चंद्रू उसका रोल प्ले कर है सूर्या वो एक सिंसियर ऑनेस्ट लॉयर है जो उनको बिना किसी पैसे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते जहाँ पे अब चंद्रू किस तरह से इस केस को प्रॉपर वे में किस तरह से सोल्व करते हुए राजन्ना को छुड़ाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है वो है सूर्या जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से कंटेंट फिल स्टोरी को पकड़ा हुआ है हालांकि उनका जो किरदार है वो अकेला का इम्पोर्टेंट किरदार नहीं यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कि जैसे कमर्शियल फिल्म में कैसे हीरो के रिगार्डिंग पूरी कहानी को दिखाया जाता है हीरो ड्री फिल्म होती है लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जहाँ पे सूर्य का जिस तरह से कैरेक्टर लिखा गया था लॉयर का उसमें वो वैसे काफ़ी डायमंड डायनेमिक नज़र आ रहे थे रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे रहे थे उन्होंने जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एक सबल इमोशंस क्रिएट किए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के साथ बेहतर वे में जा रही थी जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल था जिसके वजह से वो इस फिल्म में कुछ ओवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे जिस वजह से सभी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक और नजर आ रही थी जहाँ पे इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और किरदार देखने को मिलते हैं एक तो पहला है लिजु मलजोस दूसरा है मणिकंदन तो ये दोनों ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है लिजो मोलजोस जो एक ट्राइबल लेडी का रोल प्ले कर रही है एक प्रेगनेंट है और उस प्रेगनेंट ट्राइबल लेडी ने जिस तरह से एक हेल्पलेस लड़की बताई गई है उसको अपने पति की जो टेरिबे टेरिफिक इंसिडेंट घटा हुआ है अपने पति को बचाने के लिए जो फाइट कर रही है और उसमें उन्होंने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही थी सेम वे में मणिकंदन ने जिस तरह से रजन्ना का एक इंटेंस केदर प्ले किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आएगा जिस तरह से इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस ने अपना काम शोकेस करके दिखाया हुआ है अपना कैरेक्टर में उसमें जिस तरह से एक पेन दिखाया हुआ है इन्वेस्टिगेशन सीन्स में आपको राजन्ना के फेस के ऊपर जो पेन देखने को मिलेगा जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं उनके इमोशंस जो देखने को मिलते वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे थे राव रमेश इस फिल्म में लोहे के रोल में दिखाई देंगे उनका एक पावरफुल किरदार लिखा हुआ था और उन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे उनका वो परफॉर्मेंस फिल्म को और मज़बूत बना रहा था सूर्या के अपोजिट में एक अच्छा खासा दमदार सॉलिड फाइट करता हुआ एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसको उन्होंने इतना बेहतरीन वे में पोर्ट्रेट किया हुआ है जिस वजह से कन्फ्रंटेशन वाले सीन कहा जाएगा इसको तो वो बढ़िया नजर आ रहे थे इसके अलावा कोर्ट रूम सीन जितने भी क्रिएट हुए वहाँ पर ये दोनों सूर्या और राव रमेश के बीच में जितने भी सीन क्रिएट हुए उसको काफ़ी ग्रिपिंग मैनर में डायरेक्टर ने क्रिएट किया था उन दोनों की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतरीन थी जिस वजह से ये सभी चीजें निखर के आई हुई थी इसके अलावा फिल्म में दूसरी जितनी भी कास्ट है है उन्होंने भी काफ़ी काफ़ी रियलिस्टिक रियलिस्टिक दी हुई है। उनकी ये सबल फिल्म को काफी हद तक नेचुरल बनाने में कामयाब रहती है फिल्म का जो मूड है जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था उसको ऑडियंस के तहत तो और बेहतर में पहुंचाने में मदद करती है माइनस पॉइंट की बात करें तो वैसे तो कुछ माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस फिल्म का जो पहला पार्ट है पहला हाथ है, वो आपने अगर तमिल फिल्म विशे देखी होगी तो उससे थोड़ा मिलता जुलता नजर आता है जहां पे जो इन्वेस्टिगेशन सीन है और दूसरे कुछ मेन प्लॉट का जो बेस है वो थोड़ा सेम फ्लेवर में नजर आएगा इसके अलावा इस फिल्म की जो रो और सीरियसनेस है वो शायद सभी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी जो कमर्शियल फिल्में देखते हैं सूर्या के जितने भी कमर्शियल फिल्में जिन्होंने देखी हुई है और उसकी वजह से वो उनके फैन बने तो शायद उनको ये सभी चीज़ें नहीं पसंद आ सकती है अदरवाइज थोड़े बहुत कुछ सीन्स है उनको वो लेंथी लग सकते हैं जिसे आसानी से फर्स्ट हाफ में चॉप आउट किया जा सकता था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और सवा दो घंटे आस पास की बन जाती और क्रिस्प हो जाती जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म से और बेहतर वे में कनेक्ट हो पाती लेकिन हालांकि इस फिल्म को जितना अप्रिसिएसन मिला है उससे अंदाज़ा लगता है कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखी हुई है और इस फिल्म को दस में से नौ लोगों ने पसंद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी मज़बूत नज़र आए हुए थे जो फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में क्रिएट की हुई थी एंटायर जो कोर्टरम सीन क्रिएट किया हुआ था सॉरी उस सेट क्रिएट किया हुआ था वो ह्यूज सेट को काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ उसको चेन्नई में बनाया गया था जिसके पीछे जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है उसको जिस तरह डिजाइन किया गया था वो काफ़ी नेचुरल और अमेजिंग नज़र आ रहा था इस फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा जहाँ पे जो ट्राइबल कास्ट फिल्म में दिखाई गई है जहाँ जो कपल दिखाया हुआ है उसका जो एरिया दिखाया हुआ है उन सभी चीज़ों को जिस तरह से कैमरा वर्क के थ्रू शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फिल्म के मूड को अच्छी तरह से कैप्चर करता है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड स्कोर है गाने म्यूज़िक डिपार्टमेंट वहाँ पर सीन रोल्डन का काम काफ़ी दमदार देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर इतने बेहतरीन थे जो फिल्म के सीरियसनेस से उसको और तरवे में बरकरार रखने में कामयाब रखती है इस फिल्म के डायरेक्टर टी जेग ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो काफ़ी दमदार है उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको ज़रूर पसंद आएगी उन्होंने जिस तरह से फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है वो फिल्म को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना रहा था जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी को जिस तरह से लोयर चंद्रू के तहत तो उन्होंने शोकेस करके दिखाया हुआ है जो केसेस के सीन्स दिखाए हुए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पे दिखाई हुई थी जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है उसमें काफ़ी ग्रिपिंग नरेशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी मोवमेंट देखने को मिलते जो हाईलाइट थे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उसके बावजूद आपका फिल्म के प्रति जरा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है फिल्म के प्रति आप बने रहे थे उसका मेन रीज़न फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर जाता है और उसका मेन सिरे डायरेक्टर के ऊपर जाता है जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा हुआ है जिस तरह से उसके ऊपर निरेशन दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था सभी एक्टर्स ने उसमें उतनी बेहतरीन वे में पावरफुल वे में परफॉर्मेंस की हुई है कैमरा मैन भी उतने बेहतर वे में उन सभी चीज़ों को कैप्चर करते एडिटर और म्यूजिक वो डिपार्टमेंट में भी उतना ही डिसेंट वे में काम देखने को मिलता है इस फिल्म में जिस तरह से ट्राइबल कपल का जो पेन डायरेक्टर ने दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करके पेश की हुई है इसके अलावा कुल मिला के बात करें जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो सूर्या की एक्टिंग कैपेबिलिटी उनकी जो क्राफ्ट है उसको एक लेवल अप ले जाती है जहाँ पे आपको सभी चीज़ों को और, और इंस्टेंट रियलिस्टिक वे में ग्रिपिंग मैनर में दिखाया हुआ है जो क्रिपिंग कोर्ट रोम सीन्स है वो आपको पसंद आएंगे इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है उसमें ज़रूर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है लेकिन उन सभी चीज़ों को इग्नोर करोगे और इस फिल्म को आप जरूर देखोगे तो आपको ज़रूर ये फिल्म पसंद आएगी जहाँ पे फिल्म में इतना ड्रामा इनफ है जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको पूरी तरह से आपका अटेंशन पकड़ के रखती है तो ये फिल्म ज़रूर आप इन्जॉय कर पाओगे तो इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर रिलीज अब हम बात कर लेते हैं तो इस फिल्म को 2 नवंबर 2021 को ओ टी पे डायरेक्ट रिलीज किया गया था जिसके राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे हालांकि अमेजन प्राइम वीडियो ने पाँच अगस्त दो को टू एंटरटेनमेंट के साथ एक डील की हुई थी जहाँ पे उन्होंने चार फिल्मों की डील की हुई थी एक तो थी सूरा राय पोत्रू दूसरी थी जय भीम दो फिल्म तो यही थी जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ डायरेक्ट ओ टी की डील हुई थी तो उसके पार्ट के हिसाब से इस फिल्म के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट थे तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे थिएटर रिलीज को बाईपास किया हुआ था उसका मेन रीज़न कोविड नाइन्टीन भी था जिसके चलते मेकर्स ने डायरेक्ट को इस फिल्म को ओ के लिए अच्छे खासी प्राइज में भेज दिया था जहाँ पे ये फिल्म दोनों फिल्में सूरा राय पोतरू और दूसरी फिल्में जय भीम इतनी बढ़िया तरीके से वर्क करी ओ टी टी के ऊपर जहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल हो गई थी जय भीम को वैसे ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लेकिन अब ओ टी टी पे रिलीज हो रही है तो ये फिल्म वैसे ही सर्टिफिकेट उसका कोई मायने नहीं रखता है लेकिन टेलीविजन प्रीमियर के लिए जरूर मायने रखता है जहाँ पे जय भीम फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि ये फिल्म आपको दो नवंबर 2021 को देखने को मिलेगी जिसकी अनाउंसमेंट दो अक्टूबर को की गई थी 2021 को तो दिवाली के मौके के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा और जब रिलीज़ किया गया वहाँ पे फिल्म आपको तमिल के साथ साथ हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नडा इतने वर्जन में रिलीज़ करके दी हुई थी और इस फिल्म को जितने सभी वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था सभी वर्ज़न में बेहतरीन रिस्पांस मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को नाइन्थ एडिशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करवाया गया था तेईस जनवरी 2022 को वहाँ पे भी इस फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएसन मिली हुई थी उसके बाद में वर्ल्ड कंपटीशन सेगमेंट में ट्वेंटीथ एडिशन ऑफ पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को ले जाया गया था तीन से दस मार्च दो तक वहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्स हासिल की हुई थी और बाद में ये फ़िल्म को और बेहतर वे में रिकग्नाइजेशन मिली हो, और बाद में ये फ़िल्म जितनी बेहतर वे में बड़ी बनी है वो एक कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जय भीम फिल्म को करीबन आई एम डी बी पे एक लाख पंचानवे हज़ार यानी कि दो लाख के करीब वोट मिले हुए और आई एम डी बी रेटिंग आठ पॉइंट नौ की हासिल हुई दस में से तो लगभग लगभग सभी ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आई हुई है जहाँ पे दो लाख जितने वोट हुए और नौ के आसपास की रेटिंग है आठ पॉइंट नौ की तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी ज़्यादा कितने हद तक पसंद आई थी जहाँ पे फिल्म को सभी वर्जन में अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ही अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस वालों ने रिलीज से पहले खरीद लिए थे शूटिंग चल रही थी तब जिसके रीजन्स के चलते गोलमाइंस ने बाद में इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को डब करवाया सेंसर करवाया और उसके बाद में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो को ओ टी प्रीमियर के लिए बेच दिया था वैसे टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स पहले उन्होंने सोनी मैक्स वालों को बेचे हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने, उन्होंने उनके पास से फिर से राइट्स परचेस करके लिए कर करके अपने ही पास रखे हुए हैं तो अब हम बात करें कौन सी ओ कब और कब कौन सेटेलाइट के ऊपर देखने को मिलेगी ये फिल्म उसके ऊपर तो जिस तरह से मैंने कहा कि अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी डील साइन की हुई है तो ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ हिंदी तमिल तेलुगू, मलयालम कन्नडा इन सभी वर्जन में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो टेलीविज़न प्रीमियर है उसके तमिल वर्जन के राइट्स है वो कालिंगा टीवी ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म का पहला टेलीविज़न प्रीमियर पोंगल के मौके पर 15 जनवरी 2022 के ऊपर करवाया हुआ था तो ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में कालिंगा टीवी के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स पहले जो थे वो गोलमाइस वाले ने सोनी मैक्स को बेचे हुए थे लेकिन बाद में गोलमाइंस वालों ने अपने ही पास से रिसोल्ड करके यानी कि फर्से फिर से परचेज़ करके अपने ही पास रखे हुए हैं तो ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पर मैं इसके टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको फिल्म हिंदी तमिल तेलुगू कन्नडा और मलयालम ये सभी वर्जन में विध सबटाइटल सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है तमिल वर्जन का वो कालिंगा टीवी के ऊपर फ्री में देखने को मिलेगा हिंदी वर्जन के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है तो ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में जय भीम के नाम से देखने को मिलेगी बात करें यूट्यूब प्रीमियर की तो गोल वाले शायद नैनानवे इस फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर नहीं करवाएंगे क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो को उन्होंने ओ राइट्स बेच दिए तो अब उनके पास शायद वो राइट्स नहीं है ज़रूर फिल्म के कुछ क्लिप आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में देखने को मिल सकते गोलमाइज के चैनल के ऊपर लेकिन पूरी फिल्म को शायद प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा अब ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगी अदरवाइज ये फिल्म टेलीविजन पर गोलमाइस के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी वर्जन में वहीं पर यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलेगी लेकिन ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नडा इन सभी वर्जन में देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप जय भी फिल्म को जरूर एंजॉय कर पाओगे तो बस गया इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है साथ ही में मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया हुआ है जहां पे मैंने आपको इस फिल्म की कहानी के ऊपर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर डीप में जानकारी दी हुई है उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके ऊपर एनालिसिस की हुई है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक रिव्यू दिया हुआ है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंसिस के बारे में भी बातचीत की हुई है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आज होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू